आता जिसको बुलावा आता। जम्मू में त्रिकोट पर्वत पर रहती है माता, वही वहां तक जा पाता है जिसको बुलावा आता। हर मौसम में रहती वहां की घटा सुहानी है, आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। ये आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी
रामचंद्र तब मिले थे माँ से आके। राम नाम वो रटने लागे त्रिकोट पर्वत जाके। एक दिन प्रभु रामचंद्र तब मिले थे माँ से आके। कैसी वर्णन करूं घड़ी वो बड़ी सुहानी है। ये आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है।
दिन गुफा में साधो बन कर आए फिर रघुराई, लेकिन देवी वैष्णवी उनको पहचान ना पाई। वादा याद दिलाई तब जाके पहचानी है, वादा याद दिलाई तब जाके पहचानी है। ये आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। हमको कलयुग के अंत में पाना, राम जी बोले हे देवी तुमने ना हमें पहचाना, पति के रूप में अब हमको कलयुग के अंत में पाना। तब तक धरती पर भक्तों के कष्ट मिटाने हैं, तब तक धरती पर भक्तों के कष्ट मिटाने हैं। ये आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। अपनी गुफा में जाकर देवी करो प्रतीक्षा मेरी, कलयुग में हम आके करेंगे आपकी इच्छा पूरी। तब से बैठी गुफा में माँ कहते मुनि ज्ञानी है, तब से बैठी गुफा में माँ कहते मुनि ज्ञानी है। ये आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। विसराता दर पे आने वाला त्रिकूट पर्वत के ऊपर है माँ का भवन निराला, जन्म जन्म का दुख विसराता दर पे आने वाला। शक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। गुफा में बैठी माता रानी चमत्कार है करती, अपने सारे भक्तों का वो सारा संकट हरती। गाती